नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 मुकाबले में हराकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों, भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है और साथ ही दोस्तों अब 5 मुकाबलों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है। और दोस्तों अब टीम इंडिया तीसरे मुकाबले के लिए भी तैयार है और तीसरे मुकाबले में भी टीम इंडिया चाहेगी कि इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करे। लेकिन दोस्तों इस दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के साथ ही कई शानदार रिकॉर्ड्स भी बने हैं, तो वो रिकॉर्ड हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों भारत की तरफ से बल्लेबाजी में केएल राहुल और सुरेश अय्यर ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की और दोस्तों एक बेहतरीन साझेदारी करके टीम की जीत तय की। केएल राहुल की जहां पर ये इस सीरीज में लगातार दूसरी 50 है, तो दोस्तों ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके जो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज में लगातार 2 अर्धशतक लगाए हों। बेहतरीन बल्लेबाजी की है केएल राहुल ने और लगातार 2 मुकाबलों में 2 अर्धशतक जमा दिए, जिसमें दोस्तों एक बार ये नॉट आउट भी रहे हैं। वहीं पर दूसरे रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो 2019 से अब तक सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बतौर ओपनर T20 के खिलाड़ी बन चुके केएल राहुल। इन्होंने बाबर आजम और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए अब 448 रन बना दिए हैं 2019 से लेकर अब तक ओपनिंग करते हुए। वहीं पर इसके बाद अगले रिकॉर्ड्स की बात करें दोस्तों, तो 2020 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, दूसरे नंबर पर आ चुके हैं केएल राहुल। पहले नंबर पर अभी भी लाबुसान है, लेकिन दूसरे नंबर पर आ चुके हैं 8 मुकाबलों की 7 इनिंग में 358 रन। हालांकि अभी तक इन्होंने टेस्ट नहीं खेला, तो सिर्फ वनडे में और T20 में काम किया है। इसके बाद अगले रिकॉर्ड की बात करें तो यह है विराट कोहली का। 2020 में सबसे ज्यादा कैच करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। कोहली अब तक 5 कैच पकड़ चुके हैं 2020। तो दोस्तों आपको इन चारों रिकॉर्ड में से किसका रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन लगा और साथ ही दोस्तों आपके हिसाब से तीसरे T20 में भारतीय टीम की तरफ से कौन बेहतर बल्लेबाजी करेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।